अभी 8 साल पहले तक मैं दूध, पनीर, खोया, लस्सी, पनीर पकौड़ा मस्त झाड़ता था। तो अरे कोई तथाकथित ईश्वर हो गए क्या? जब तक मनुष्य देह में हो गुण दोष विकार तो रहेंगे ही ना। बोलो, अब तुम बोलो कि कोई ज्ञानी पुरुष है उसके पसीने से गंध काहे को आती है? भाई बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया है। ये कौन सी बात है कि तुम कहने लग जाओ कि खोज खोज के निकालो कि महापुरुषों के चरित्र में भी कहाँ कहाँ कमियां थी, और जो कमियां हो उनको या तो ये कह दो कि कमियां है ही नहीं, ये ठीक बात है, या फिर ये कह दो कि महापुरुष भी अगर कमियां रखते हैं तो हम काहे ना रखें। ये हमारे दो तरह के तर्क होते हैं। ये दोनों ही बातें कितनी विचित्र है ना। तुम वो चीज लो ना जो लेने लायक है। आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर होते हैं और वो अनंत यात्रा होती है। उस यात्रा पर अगर आप 40 साल, 80 साल, 150 साल चलते रहे तो धीरे धीरे करके आप अपने सारे गुण, सारे दोष छोड़ते रहते हैं। मैं पूछ रहा हूं तुम्हारी नजर कैसी है जो खोट पे ही जाके टिकती है? खोटी देखनी है,